हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय एवं संगीत के प्रति योगदान का वर्णन कीजिए। किसी भी संगीतज्ञ कलाकार का जब जीवन परिचय हम लिखेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, इन पॉइंट्स पर चर्चा करनी होगी। जन्म एवं वंश परिचय, शिक्षा दीक्षा एक तालीम कह लीजिए, संगीत में योगदान, संगीत के प्रति उनका क्या योगदान है। नेक्स्ट है गायन शैली की विशेषताएं, उनके किस प्रकार की वो गायन शैली गाते थे। अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियां क्या हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार और स्वभाव के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे इस प्रकार से। तो हम शुरू करते हैं पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का जीवन परिचय। पंडित कृष्ण राव शंकर का जन्म ग्वालियर में 26 जुलाई 1894 को एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित शंकर राव भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हद्दू खां और नथु खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इनका घराना जो है वो ग्वालियर घराना ही था, और ग्वालियर घराने के हद्दू खां और नथु खां से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी तथा और उसके बाद निसार हुसैन खां, ये भी ग्वालियर घराने के ही हैं, उनसे 12 वर्ष तक संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। पंडित कृष्ण राव ने अपने पिता से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की, अपने पिताजी से भी उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आपके शास्त्रीय गान, स्वरताल, लयकारी पर अधिकार को देश से प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने मुक्त कंठ से आपको स्वीकार किया है। अब है संगीत में योगदान, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी बुक्स किस प्रकार से इन्होंने लिखे। हारमोनियम, सितार, जलतरण तथा तबला वादन पर इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनमें संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत अलापचारी आदि उल्लेखनीय है। 1913 में महाराजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में रखा, शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया, किंतु यह नौकरी इन्होंने एक वर्ष में ही छोड़ दी। एक वर्ष के बाद इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद महाराज ग्वालियर ने इनको 5 वर्ष तक अपने दरबार में रखा। परिस्थितियों से विवश हो आप दरबार छोड़ देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। सरकमस्टांस जैसे है उनके अनुसार उन्होंने उनके दरबार को भी छोड़ करके देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी समय इनके मन में एक सत्रीय संगीत संस्था स्थापित करने का विचार आया। 1914 में इन्होंने ग्वालियर में गंधर्व महाविद्यालय नाम से संगीत संस्था की स्थापना की। ग्वालियर में गंधर्व महाविद्यालय के नाम से संगीत संस्था की स्थापना की। 1917 में इस संस्था का नाम इन्होंने पिताजी स्मृति में शंकर गंधर्व विद्यालय रख दिया, अपने पिताजी के नाम से शंकर गंधर्व विद्यालय रख दिया। 1926 में ग्वालियर औलिया काउंसिल्स ने आपको दरबारी गायक नियुक्त किया। ये था इनका सफर, संगीत के प्रति क्या योगदान है। इनकी गायन शैली किस प्रकार की है, गायन शैली की विशेषताएं क्या विशेष थी इनकी गायन शैली में, गायन शैली के गाने बजाने का इनका ढंग था उन क्या विशेष था। पंडित जी की गायन शैली में शुरुआत से ही लय कायम करके सथाई के साथ अलापचारी होती थी। स्थाई जब गाते हैं तो उसके साथ में अलापचारी होती थी, अलाप भी करते थे।
धीरे धीरे बाट में बोलतान, धीरे धीरे बोलतान, बाट में बोलतान, फिरत की तान, छूटतान, गमक, जमजमा, खटके, झटके और मीट की ताने, लड़ंत और लड़गुथाव आदि सभी अलंकारिक ताने एक के बाद एक कर्म में आती थी। यह इनके घराने की शैली की विशेषताएं हैं। इनके घराने की शैली की ये विशेषताएं हैं कि बोलतानों का प्रयोग, फिरतान, चोटकी तान, गमक, जमजमा, खटके, झटके और मीड की ताने, लड़ंत की आदि सभी अलंकारिक तानों का एक के बाद एक कर्म से ये प्रयोग करते थे अर्थात गाते थे। यह इनके गाने की शैली की विशेषता है। अब अचीवमेंट्स क्या है कि क्या क्या अचीवमेंट्स इन्होंने किस प्रकार से उपलब्धियाँ, जो भी आपके संपर्क में आते थे, जो भी पंडित कृष्ण राव जी के संपर्क में आते थे, उनके सरल स्वभाव से प्रभावित होकर के वे बिना नहीं रहते थे, उनके सरल स्वभाव से अति प्रसन्न हो जाते थे। देश के कोने कोने में इन्होंने अपने संगीत ज्ञान की धाक जमाई। आपको संगीत उद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि का अवार्ड, गायक शिरोमणि का अवार्ड प्रदान किया। अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद का तथा ग्वालियर दरबार से संगीत रत्नाकर उपाधि मिले, उपाधि से अलंकृत इस प्रकार से किया गया। बाद में वर्षों में आपकी प्रमुख उपलब्धि इस प्रकार से रही। और भी अचीवमेंट्स हैं इनकी। 1947 में ग्वालियर महाराजा ने स्थानीय माधव संगीत विद्यालय में सुपरवाइजर नियुक्त किया, ये सुपरवाइजर की नियुक्त किया। 1958 में राष्ट्रपति पुरस्कार तथा सनद से सम्मानित, ये सभी इनके पुरस्कार ही हैं, अचीवमेंट्स ही हैं। 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इनकी शिष्य परंपरा क्या है, इनके चार पुत्र हुए, प्रोफेसर नारायण राव पंडित, प्रोफेसर लक्ष्मण राव पंडित, चंद्रकांत व सदाशिव। इनके प्रमुख शिष्यों में प्रोफेसर विष्णु पंच चौधरी, रामचंद्र राव, सप्तऋषि पुरुषोत्तम राव सप्तऋषि और जोगिल लेकर, प्रोफेसर केशव राव सुरंगी, एकनाथ और पंडित विष्णु मानव अलंकार तथा सदाशिव राव अमृत मूले के नाम उल्लेखनीय है। अब है इनके मृत्यु निधन। पंडित कृष्ण राव जी ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे। 22 अगस्त 1989 को इनका देहांत हो गया था। तो ये था पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का जीवन परिचय। आपके सिलेबस में चार जीवन परिचय थे, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, फयाज़ खां, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित। चारों जीवन परिचय हमने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाए हैं। इस प्रकार से आप चारों वीडियो और चारों वीडियो के साथ इनका जीवन परिचय आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैंने भेज दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स इन चारों जीवन परिचय को अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये थे जीवन परिचय। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको शॉर्ट डेफिनेशंस करवाएंगे। आज का काम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।